हेलो अच्छा लोगों, क्या हाल चाल है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी रक्षाबंधन। हमारे चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी हमारी छोटी बहनें हैं उन सभी को हमारी ओर से रक्षाबंधन की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। तो क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है और आज के दिन भाई जो है अपनी बहन को गिफ्ट देते हैं। आपकी राखी मुझ तक नहीं पहुँची है, लेकिन मैंने मान लिया है कि हाँ बहुत सी बहनें हैं, दिल से उन्होंने मुझे याद ज़रूर किया होगा आज के दिन। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी ओर से एक मैं छोटा सा गिफ्ट दे दूं इस रक्षाबंधन के त्यौहार पे अपनी बहनों को। गिफ्ट क्या होगा आज के दिन, जो भी हमारे चैनल से या वीडियो जहाँ तक भी पहुँचेगी, चैनल से हमारे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो डजेंट मैटर, जहाँ तक भी पहुँचेगी जो भी बच्चियाँ हैं जो कि पढ़ाई कर रही हैं, उनको हमारे ऐप पर हमारे जो भी कोर्सेज चल रहे हैं आज के दिन उनको मेरी तरफ से कम्प्लीटली फ्री एनरोल किया जाएगा। मतलब उनसे हम एक भी रुपए फीस नहीं लेंगे। मेरी तरफ छोटा सा गिफ्ट है। अब इस पर बहुत से बच्चे हमारे नाराज़ हो जाएंगे, हमारे जो भैया लोग हैं छोटे वो कहेंगे ये पार्शियलिटी कर रहे हैं आप। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, एक बार जब ऑफलाइन पढ़ाया करते थे तो एक स्टूडेंट थी, ऐसी एक बार मुलाकात हो गई उससे। बहुत बहुत अच्छी लड़की थी, पढ़ने में बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। तो ऐसी मैंने पूछ लिया, हालचाल सब पूछते हैं, मैंने भी पूछ लिया क्या कर रही हो। उसने बताया सर ऐसी बीए कर रहे हैं साइड से और साथ में तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। तो मैंने कहा साइड से बीए गवर्नमेंट तैयारी, इसका क्या मतलब है, तुम तो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। और उसका भाई भी था एक नालायक, साथ में दोनों पढ़ा करते थे, तो तुम्हें तो कुछ अच्छा करना चाहिए था, आईटी वगैरह देना चाहिए था तुमको, मैथ्स की स्टूडेंट थी। तो उसने कहा सर भैया को बीटेक कराना था, इतना बजट नहीं था, तो दोनों में से एक लोग ही पढ़ सकते थे, तो इसलिए वो पढ़े इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, बट ठीक है मैं भी तैयारी कर रही हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। मेरे को वो बात उस दिन मतलब बहुत लगी अंदर से कि यार फिर अगर आज होता मेरे पास पैसे तो मैं करा देता आज इसको। बहुत इमोशनल हो गई थी बताते समय लड़की, लेकिन बस मुझे यही उस दिन लगा कि यार हम केवल कहते हैं लड़का लड़की सब एक समान है, सिर्फ ये बोलने की बात है। आज भी है वही, जहाँ पढ़ाई की बात आती है, जहाँ किसी फैसिलिटी की बात आती है, तो माँ बाप लड़कों के ऊपर खर्च करने से पहले नहीं सोचते, बस लड़कियों के ऊपर खर्च करना पड़ता है तो उनको अपने सारे कैलकुलेशन से याद आने लगते हैं। आज भी वही सीन है, हम भी देखते हैं हमारे पास भी, क्लास में जाओ तो वहाँ पे किसी भी फिजिकल क्लासरूम में जाओ तो लड़कों की संख्या हमेशा लड़कियों से ज़्यादा होती है। क्यों भाई, ठीक है थोड़ा सा रेशियो ऊपर नीचे है, बट 1000 पे अगर मिनिमम में 900 भी लड़कियां हैं तो मैं मानता हूँ ना कि 100 लड़कों के बीच में 90 लड़कियां होनी चाहिए, थोड़ा सा ही तो कम है, बट नहीं होता ऐसा। मतलब अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ वैसे ही चल रहा है, जैसे लड़कों को पढ़ाना है। ऐप पर भी हमारी जो बच्चियां पढ़ती हैं तो हम देखते हैं कि लड़कों की तुलना में लड़कियों का रेशियो बहुत कम है, हर जगह बात वही आती है। बस यही एक रीज़न है कि हम अपनी तरफ से, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। हमारे छोटे भैया लोग बिल्कुल हमसे नाराज़ मत होइएगा, बल्कि आपको इस बात में और हमारा सहयोग करना चाहिए कि कम से कम आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके बिहाफ पे हम, आप अभी कर नहीं पा रहे हैं, आप नहीं सक्षम हैं, बड़े हो जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके मन में भी कहीं ना कहीं मैं चेंज तो लेकर के आऊँगा, है ना। कहीं ना कहीं किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा कि नहीं चीज़ें बदलनी चाहिए। अभी तक इतना हम लोग कहने को आगे बढ़ गए बट अभी बदलाव आ नहीं रहा है पूरी तरह से। तो आप लोग भी, मैं उम्मीद करता हूँ पूरा आप मेरा साथ देंगे। ये बात भी आज जब मैं डिस्कस कर रहा था मॉर्निंग में तो हैं टीम के कुछ कोर मेंबर्स हैं, कोई भी चीज़ होती है तो डिस्कस करके ही होता है,
तो जो ऐप वगैरह का सब काम देखते हैं उनका सर बहुत बहुत लॉस हो जाएगा इसमें। तो फिर उसने कहा यार आज के दिन तो मत गुला गणित करो, लॉस होने दो जो हो रहा है। क्या लॉस हो जाएगा, कुछ लोग पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा और क्या, है ना। जो अब तक नहीं पढ़ रहे थे, क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। इतनी महंगी फीस तो हमारी है नहीं, 500 रुपये ही हम लोग पूरे साल भर का चार्ज कर रहे हैं, सब्जेक्ट का 600 रुपये 700 रुपये चार्ज कर रहे हैं अलग अलग बैचेस में। तो इतना ज़्यादा तो ये होता नहीं है अमाउंट, लेकिन फिर भी अगर कोई अभी तक नहीं ज्वाइन किया दैट मीन्स कि है प्रॉब्लम उसकी। एग्ज़ाम आने वाले हैं 6 महीने बाद, तो ठीक है पढ़ लेने दो, कुछ लोग और पढ़ लेंगे, बस यही तो होगा ना, ठीक। लेकिन पढ़ लिख करके कल को कहीं वो पहुंच जाएंगे तो शायद हमारी तरफ से एक छोटा सा पुण्य और हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं और हमारी हमारे लिए कंट्रीब्यूट करेगा फ्यूचर में, है ना। मैंने बताया था ना नेकियां करके दरिया में जो आली थी तुमने कभी, बन की एक रोज कश्ती तूफान में उतर जाएंगी। होता है ऐसा ज़िंदगी में होता है। तो जो भी हमारे भैया लोग, नाराज़ मत होइएगा, आप लोग की लड़कियों के साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, बस एक छोटा सा प्रयास है हमारा। और आपसे भी हम ये कहेंगे कि कभी भी आपको लगता है कि इस काम को करने में अब मैं सक्षम हूँ, मैं नहीं कह रहा कि अभी तो तुम कुछ कमा भी नहीं रहे होगे, लेकिन जब तुम सक्षम हो जाओ तो अपने लिए इंसान को क्या चाहिए होता है यार, खाने को है, पहनने को है, इज्जत है, रुतबा है, क्या चाहिए, ठीक है। तो अब जो है तो उससे कुछ लोगों का भला हो सकता है, तो ऑब्वियसली हम पूरी तरह से करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपसे भी यही चाहेंगे, यही उम्मीद करेंगे कि आपको लगे कुछ एक्स्ट्रा आपके पास है तो ज़रूर कंट्रीब्यूट करिएगा समाज में, जो भी हो सके आपकी तरफ से वो करने का प्रयास किया करिए। आप किसी की भलाई करेंगे तो आपका कुछ, आप बात मान लीजिए मेरी, आप किसी को देंगे तो कभी आपका घटेगा नहीं, कभी नहीं घटेगा आपका, हमेशा आपका बढ़ेगा। क्योंकि ना ऊपर वाला भी देखता है, वो देता उसी को जिसके आगे देने की नीयत होती है। पता है अंबानी के पास पैसा क्यों है, क्योंकि वो बांटता है, वो अरबों रुपए की सैलरी बांटता है, इसलिए उसको हमेशा मिलता है। लेकिन एक भिखारी की नीयत हमेशा लेने की होती है, उसकी किसी को देने की नहीं होती, वो हमेशा मांगता है, इसलिए हमेशा भिखारी रहता है। तो आपकी नीयत बहुत मायने रखती है, आपकी नीयत लेने की है कि देने की है। अगर ऊपर वाले को लगता है ना कि आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हो तो वो आपको देता है कि लो और आगे फॉरवर्ड करो इसको, आप नहीं फॉरवर्ड करने की नीयत आपकी है ना तो आपको उतना मिलता भी नहीं है, ये वास्तविकता है। चलिए फिर, ज़्यादा लेक्चर में इमोशनल हो जाता हूँ, बहुत लेक्चर देने लगता हूँ, तो मैं मिलता हूँ आप सबसे फिर क्लासेस में, ठीक है। और एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 ढेर सारा हैप्पी रक्षाबंधन। एक्चुअली मैं तो बताना भूल ही गया था कि आप लोगों को एनरोल होना कैसे। तो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, और आप उस गूगल फॉर्म को फिल करें, जो भी डिटेल उसमें दी हुई है आप उसको भर दीजिए, ठीक है, जो भी ज़रूरतमंद हैं। और अगर किसी को लगता है कि नहीं वो सक्षम है, उनके घर वाले उनको पढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो आप अपनी तरफ से गिव अप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी हो तो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारे ऊपर बर्डन है तो, बट हम ये सहने को तैयार हैं। लेकिन अगर एक ऐसा व्यक्ति अगर आता है जो जिसको ज़रूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक उसका हक जाता है जिसको वाकई में ज़रूरत है, ठीक है। और मुझसे ऐसे डिस्कस भी हो रहा था, तो लोगों ने कहा ऐसे तो जो भी लड़कियां लड़के हैं वो भी लड़कियों के नाम से फॉर्म भर देंगे और ये वो, तो मुझे लगा हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, हो सकता है किसी के मन में हो ऐसी नीयत वो करे। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जब तालाब आपको जब देखते हो ना बहुत गंदा है, तो पता है वो तालाब बहुत गहरा होता है, बहुत बड़ा होता है, और वो जो गंदगी होती है ना वो सरफेस पे होती है, बहुत थोड़ी सी होती है, उस पूरे तालाब के साफ पानी की तुलना में 1% भी गंदगी नहीं होती। लेकिन फिर भी जो गंदगी तैर रही होती है उसको हम देख कहते तालाब बहुत गंदा है, वाकई दुनिया इतनी खराब नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है ना, वो जो थोड़े से खराब लोग हैं ना वो इतनी ज़्यादा दिखाई देते हैं, सरफेस पर रहते हैं, कि हमको अच्छे लोग नज़र ही नहीं आते। सबको यही लगता है कि हर आदमी गलत तरीके से ही सोचता है, वो गलत नीयत ही रखता है, ऐसी बात नहीं है, हर इंसान गलत नीयत नहीं रखता है ना, अच्छी नीयत वाले लोग भी हैं इस दुनिया में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ सब कुछ खराब ही है, आप लोगों की भी कहीं ना कहीं मानसिकता होती होगी कि यार दुनिया बहुत खराब हो गई, ऐसा नहीं है, वो दिख रहा है खराब खराब ऊपर सरफेस पे तैर रहा है, इसलिए आपको खराब दिख रहा है।
ठीक है। और किसी का शेर है कि ये माना कि दुनिया बहुत ख़राब है मगर तुम तो अच्छे बनो, तुम्हें किसने रोका है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, और तब तक के लिए सभी को बाय बाय।